हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेफ्ट ओवर रोटी का पिज्ज़ा लेकर आई हूँ। आप इसको फ्रेश रोटी से भी बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे रोटी खाने में आनाकानी करते हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें लेफ्ट ओवर रोटी, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ओरिगैनो है, चिली फ्लेक्स है, नमक है, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज और पिज़्ज़ा टॉपिंग, बटर और मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए पहले बनाएंगे हम, जो अपनी वेजेज़ हैं उनको हाफ फ्राई कर लेते हैं। सौते ही करना है, ज़्यादा उनको हमें पकाना नहीं है। तो मैंने लिया था ऑलिव ऑयल और उसमें ऐड कर दिया है अपना प्याज, ओनियन, हल्का सा भूनेंगे। क्रंची रखना है हमें सभी सब्जियों को। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे खाना खाने में करते हैं आनाकानी, तो आप इस तरह से उनको एक हेल्दी सी रोटी बनाकर पिज़्ज़ा के रूप में दे सकते हैं। ये हेल्दी ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारी वेजेज़ हैं। आप उनकी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, और जो ब्रोकली होती है वो भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं। और मैंने इस सब्ज़ी में डाल दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। तो मेरी जो सब्जियां हैं वो पककर तैयार हैं, और उसमें डाल दिया है मैंने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, थोड़ा थोड़ा बचा लिया है। इन सबको कर देंगे मिक्स, और इसको एक मैं प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये लिए मैंने लेफ्ट ओवर रोटी, और इस पर लगाऊंगी मैं पिज़्ज़ा सॉस। अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा स्प्रेड नहीं है, पिज़्ज़ा की सॉस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टमाटो सॉस और जो मेयोनीज होती है, आप उन दोनों को मिक्स करेंगे, और इस तरह से आप पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। और ये मेरे पास था एक पिज़्ज़ा, वो मोज़रेला चीज़ का स्लाइस, तो मैंने इसको तोड़ के रख दिया है इस तरह से। और मैंने लिए हैं इसके लिए टू रोटीज़। तो देखिए, तो मैंने अब दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख दिया है, और फिर से मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। इसको भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर भी करें। आप अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में इनको ज़रूर शेयर करें। और ये जो मेरी वेजेस थी, अब उनको भी मैं कर दूँगी स्प्रेड, अच्छे से लगा देंगे और डाल दूँगी खूब सारी चीज़, क्योंकि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, आजकल सबको चीज़ बहुत पसंद होती है। तो आप डालें खूब सारी चीज़। और इसके ऊपर डाल देंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो, जो मैंने थोड़ा थोड़ा बचा लिया था उसको हम डाल देंगे। और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने अपनी वेजेस को पकाया था, उसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर, और इसको, और इसमें अपनी रोटी को रख देंगे। आप इसको ढक के रख देंगे, चीज़ मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे।
ये 2 मिनट में ही पककर रेडी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारी रोटी भी नीचे से अच्छी क्रंची हो गई है। तो इसको हम कर लेते हैं कट। गैस मैंने कर दी है ऑफ और इसको आप बिल्कुल सिम गैस पर ही पकाएंगे। और पिज़्ज़ा कटर की सहायता से मैंने कर लिया है इसको कट। अब इसको मैं निकालूंगी एक प्लेट में। तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपको कभी कभी हमें नाइट में भी ये देखिए भूख लगती है, तो आप इस तरह से, अगर आपके पास सभी सामान है तो आप इस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं विदाउट पिज़्ज़ा बेस के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना फ्रेंड्स, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना। तो मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए लेके आऊँगी अच्छी अच्छी वीडियोज़, रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।